इंडिया सीमेंट तो कल आ गया बैन से बाहर, आशीष आज क्या बदलाव हो सकता है? दीपांशु कोई बदलाव दिख तो नहीं रहा है क्योंकि डेल्टा कॉप 101% है, बाहर नहीं आएगा। इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी करीब करीब 92% है, तो दोनों स्टॉक जो है बैन में बने हैं। कोई फ्रेश एंट्री भी नहीं होगी, लेकिन इंडिया सीमेंट सेस में देखे तो पोजिशन बढ़ रही है, करीब करीब 94.66% हो गई, 95% के ऊपर नहीं गया, काफी से देर से देख भी रहा हूं, नई पोजीशन तेजी से बन नहीं रही है, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट 95% के आसपास आ गया तो स्टॉक के ऊपर नजर रखें। अभी रिफ्रेश किया तो 95.23% हो गया, आ सकता है, बॉर्डर पर है, अब जस्ट आया ये बॉर्डर पे, 95.23% है इंडिया सीमेंट। बाकी के दोनों स्टॉक जो है बैन में बने रहेंगे। ओके, बाकी दोनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे, नजर रखिए इंडिया सीमेंट पर। जय, कोई राय इस पर, एक दिन बैन से बाहर दूसरे दिन वापस बैन में आने की पूरी संभावना? ओवरऑल दीप, अगर आप देखें तो ये स्टॉक में रिसेंटली हाई लेवल से एक शार्प फॉल देखने मिला है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं, जब तक ऑन दी अपसाइड आपको 250 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाता, देयर इज अ फेयर चांस कि ये स्टॉक में आपको फर्दर एक सेलिंग देखने मिल सकती है, एटलीस्ट इन द लेवल्स ऑफ 220 तक की जगह अभी भी नीचे बनी हुई थी, एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स के साथ एक रिवर्सल हाई लेवल से देखने मिला है। तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट, वॉल्यूम्स के साथ इस पर गिरावट आई है, नजर रखेंगे इस काउंटर पर, वीकनेस दिखा